नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें रजिया सुल्ताना को नहला रहे हैं और आप सभी लोग बोल रहे थे कि कोनी कहाँ है, कोनी कहाँ है। तो मैंने ये आज कोनी को भी नहला रहे हैं और कोनी को भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोनी बिल्कुल सही है, स्वस्थ है पूरी तरह से और बिल्कुल खेलती रहती है इनके साथ। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पा रहे क्योंकि रचित था तो सारी चीज़ें कर लेता था। अब रचित यूके में है तो इतना फास्ट मैं नहीं कर पाता जितना रचित करता था, और उसका पूरा पैशन था। मैंने अपना दूसरा काम भी देखना होता है, इसलिए बैलेंस बना के रखता हूँ भाई। ये भी अपना काम सही प्रॉपर चलता रहे और वो भी मेरा काम चलता रहे। तो इसी दौरान मैं, चलो ठीक है, आज टाइम निकाल के रजिया सुल्ताना को नहलाया है, ये देखो आप। और कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और थोर को भी दिखाऊंगा मैं आपको, छोटे थोर को दिखाऊंगा मैं। तो देखो आप ये वीडियो और बताना कैसी लगी। ये देखो, पहले रजिया सुल्ताना को और उसके बाद रजिया को बिल्कुल अच्छी तरह से। ये हमने बना दिया वॉशिंग एरिया, इधर सही है क्योंकि ये नीचे से पक्का कर रखा है, तो आराम से इनको नहला के यहाँ पे ये आराम से सूख जाएगी, मिट्टी में नहीं जाएगी। नहीं तो डॉग की ज़्यादातर आदत होती है, जैसे इनको गीला करेंगे तुरंत मिट्टी की तरफ भागेंगे, नीचे लिट जाएंगे ये। फिर उससे ये है कि फिर जो जिसने नहलावा है वो दोबारा से फिर वापस उसी तरह से ये अपने शरीर पर पूरी पर मिट्टी लगा देते हैं। तो ये देखो आप, देखो अच्छी तरह से एक नंबर का ज़बरदस्त, बिल्कुल सही करती है, साफ सुथरी। अब इनको थोड़ी देर यहीं पे रहने देते हैं ताकि सूख जाएगी, उसके बाद फिर अंदर करेंगे। चलो ठीक, शिव कुमार का धन्यवाद कर रही है। हाँ देखो, बोल के ऊपर फाइट हो रही है इनकी, एक ने बॉल ले रखी है, दूसरी बॉल वापस लेने की कोशिश कर रही है। कोड़ी को बाहर निकाल रखा है, बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि कोनी को नहीं दिखाते। लो भाई कोनी ये रही। हाँ देख कोनी, आ जा बेटा चलो। कोनी गुड बॉय, आज चल चलो अंदर, चलो अंदर भागो। चल आज ये देखो, ये भाई साहब बिल्कुल मेरे पास रहता है। ये इसकी आदत वैसे तो गलत है, कहीं मैं बाहर जाऊंगा तो दिक्कत होएगी। वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब रहता था वो, बहुत प्यास रहता था, लेकिन वो अकेला भी रह जाता था। लेकिन ये तो मजाल है, ये 2 मिनट भी अकेला रह जाए। और मतलब कमाल की बात तो ये है कि मैं बाथरूम में भी जाते हैं तो इसकी कोशिश ये रहती है कि भाई बाथरूम में भी पास ही आ जाऊँ मैं साथ में। तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है, गलत इसलिए कि भाई बाहर भीतर अगर आपने जाना है तो कैसे रहेगा ये। लेकिन अब हमारे पास तो ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि अपने पास डॉग हॉस्टल है, तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये भाई साहब वहाँ पर रह जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी हर बंदा या हर डॉग लवर तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है ये चीज़ें। लेकिन उन सभी के लिए हमने पेडास्ट्री को, इसीलिए हमने पेडास्ट्री को चलाया है कि कोई भी डॉग ओनर डॉग लवर कहीं आप बाहर जाते हो, बाहर भीतर जाते हो कहीं फंक्शन में या कोई ज़रूरी काम से, तो आप अपने बच्चे को, अपने डॉग को, अपने पेट को
पेडेस्ट्री के अंदर छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि पेडेस्ट्री दोस्तों देखो थोर की मस्ती दिखाता हूँ आपको। वेरी गुड बेटा, गुड बॉय। ये देखो अच्छा थोड़ी चलो बॉल के साथ रोड मिलने का प्यार देखो। गुड बॉय ले गया। सिट बेटा सिट। गुड बॉय वेरी गुड। ये देखो आई लव वेरी गुड छोटू बेटा। वेरी गुड बस देखो क्या हो रहा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और पूरी तरह से बिल्कुल रेडी हो रहा है, सारी बातें मानता है, पूरी तरह मानता है। थोड़ी थोड़ी आज आज गुड 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 ये देखो फोर शिट गुड बॉय। डॉग हॉस्टल की डॉग ट्रेनिंग की तो यहीं पे है अपने हिसार में ही। तो जिस भाई को भी अगर ज़रूरत है बोर्डिंग की तो आप पेडोस्टी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारी फैसिलिटी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो ज़रूर आए एक बार विजिट के लिए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में।